14 माह की तनख्वाहें दो, नौकरी पर मुस्तकिल करो, बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी के असातिज़ा का एहतजाज, सेक्रेटरी चौक को बंद कर दिया, मुतालबात के हक में नारेबाजी, मॉल रोड नारकली मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पेंटा 3 वैक्सीनेशन कवरेज सिर्फ 82.5% रही, लाखों बच्चों की जिंदगियां खतरा से दो चार हो गईं। गोदाम पर छापा, करोड़ों रुपए मालियत की ड्राई बैटरियां और स्त्रियों की भारी खेप बरामद, प्राडो गाड़ियों के स्मगल शुदा टायर भी जब्त, सामान एमजेड कार्गो की बल्टी पर कराची से लाहौर आया, सामान घरेलू इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में क्लियर करवाया गया। पंजाब कांस्टेबली में 57 कांस्टेबल्स की मुद्दत पूरी, खिदमत लाहौर पुलिस के हवाले, 29 कांस्टेबल्स को डॉल्फिन स्क्वाड में तब्दील किया गया, 28 कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस विंग में तैनात होंगे। दरियाए रावी में एक और नौजवान डूब गया, 20 साल ख्याल मोहम्मद नहाने के लिए दरिया में उतरा, फिर वापस नहीं आया, रेस्क्यू टीमों की कई घंटों बाद भी खाली हाथ वापसी, अंधेरा बढ़ने पर तलाश में मुश्किलात, इमदादी कार्रवाइयां कल सुबह तक मोहर। वज़ीर आला पंजाब से कनाडा की हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात पर बात, कैनेडियन हाई कमिश्नर का सलाम में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस, मुलाकात में कमिश्नर माइकल लाजोरोक और चेयरमैन नेस्ले पाकिस्तान सैयद जावर अली की भी शिरकत, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से अमाना ग्रुप के चेयरमैन आबिद बट भी मिले, वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड के लिए 7 करोड़ रुपए का चेक दिया। लेस्को दफातर में बिलों की तसहीह के लिए कतारें, हुकूमती ऐलान के बावजूद तमीम शुदा बिल लेस्को वेबसाइट पर जारी ना हुए, वज़ीर आज़म ने बिजली सार्फीन को 300 यूनिट तक रिलीफ देने का हुक्म दिया है, लेस्को दफातर में एक बार फिर स्पेशल काउंटर कायम, एक साथ की सहूलत भी दी जाने लगी। पंजाब असम्बली 5वें पार्लिमाना साल में दाखिल, चौथे पार्लिमानी साल में 40 से ज्यादा अरकान असम्बली का इस्तेहकाक मजरूह हुआ, 41 अरकान ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई, 23 मंजूर हुई, 19 को कमेटी के सुपुर्द किया गया, 4 बरसों में मजमूई तौर पर 197 तहरीक इस्तेहकाक जमा हुए। मैट्रिक के पेपर्स की रीचेकिंग, फीस जमा करवा दी, रीचेक की कॉल नहीं आई, तलबा ने शिकायत के अंबार लगा दिए, बोर्ड इंतजामिया ने मामले का नोटिस ले लिया, शिकायत के अजाले के लिए 404 नंबर कमरा मुख्तस, बोर्ड हुकाम का कहना है कि पेपर रीचेकिंग के लिए कॉल ना आए तो उम्मीदवार फौरी राबता करें। पहले से 10वीं जमात तक सिलेबस 20% शॉर्ट करने का फैसला, बच्चों का पेपर 80% सिलेबस में से लिया जाएगा। शेख रशीद के लिए बड़ा रिलीफ, जमीन की गैर कानूनी फरोख्त केस में क्लीन चिट मिल गई, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन आजिया हुसैन हाईकोर्ट पेश हुई, हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन की इंक्वायरी खत्म होने पर दरख्वास्त निपटा दी, शेख रशीद की अदालत के बाहर सियासी मुखालफीन पर लफ्जी गोलाबारी, कहा हुक्मरानों की सियासी साख राख बन चुकी, अल्ट्रासाउंड हो चुका, एक्सरे रिपोर्ट हर घर में पहुंच चुकी। रहनुमा काफलीग मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, मोनस इलाही के शरीक मुलजिम वाजिद अली भट्टी की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक पहुंची, मुलजिम को आइंदा समाप्त तक नया वकील करने की मोहलत। अदायगी के बावजूद सेंट्री का सामान क्यों ना भिजवाया, खैरुद्दीन सेरेमिक्स फिरोजपुर रोड के खिलाफ 20 लाख खर्चाने का दावा दायर, रायबंड के मुनीर चौधरी ने दरख्वास्त दायर की, दुकान मालिक 16 सितंबर को अदालत तलब। सैलाब सब कुछ बहा ले गया, गोदामों में पड़ी 3.5 लाख टन गंदम जाया, विफाक से 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत तलब, पंजाब में गंदम का सरकारी कोटा 16,700 टन रोजाना है, गंदम ना मंगवाई तो दिसंबर में कहत का खदशा, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। आए सैलाब जदगान की मदद करें, सिटी न्यूज नेटवर्क का इमदादी कैंप कायम, मुखैर हजरात की जानिब से एहतियात का सिलसिला जारी, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए आप भी आगे बढ़िए, आपका भेजा हुआ राशन गर्म कपड़े
कंबल, खैमे और दीगर सामान हम पहुंचाएंगे फौज की मदद से मुतासरीन तक पूरे जिम्मेदारी के साथ। वेटरनरी यूनिवर्सिटी का सलाम मुतासरीन के लिए अद्वियात, खैमे और राशन का दिया। तलबा की टीमें सामान लेकर राजनपुर, फाजिलपुर, तोनसर और डीजी खान रवाना। अलखिदमत फाउंडेशन भी सैलाब जदगान की मदद में पेश पेश। महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन एंड ट्रस्ट मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम करेगी। मियां असलम इकबाल को सीनियर वजीर बना दिया गया। सूबाई वजीर के पास सनअत और तजारत और वजारत हाउसिंग का कलमदान भी रहेगा। तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग का अमल। यूएचएस का वालिदैन को शामिल न करने का फैसला। हर माह 5 तलबा के वालिदैन को यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। वालिदैन तालीम और सहूलियात के मियार की बेहतरी के लिए तजावीज़ देंगे। वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर एहसन वहीर राठौर की तलबा से मुलाकात। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का गंगाराम अस्पताल का दौरा। जेर तमीन मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का जायजा लिया। स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान, वाइस चांसलर फातमा जिना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की शिरकत, डॉक्टर अथर एजाज शेख और CNW अफसरान की ब्रीफिंग। स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार सिप्तान खान से सेनेटर एजाज अहमद की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फयाज भट्टू, खालिद मसूद, मियाँ साकिब महमूद, लुकमान काजी भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान से फैसलाबाद वीमेन चैम्बर के वफद की मुलाकात। निगल शाहिद ने गवर्नर पंजाब को दरपेश मसाइल से आगाह किया। लाहौर हाईकोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सदारत की। बर वक्त इंसाफ की फराहमी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। फ्लड रिलीफ फंड ने एहतियात देने से मुतालिक बातचीत। डीसी मोहम्मद अली का मुल्तान रोड फ्रूट और सब्जी मंडी का दौरा। आलू, प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों के भाव का जायजा लिया। आईजी जेल शाहिद असलम बेग से रिटायर्ड अफसरान की मुलाकात। गुलजार बर्ड, शेख इकराम, खालिद बशीर, शौकत टमाना, मोहम्मद इकराम, शेख अफजल जावेद और दीगर शामिल। शाहिद सलीम बेग ने सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम की जेर तामीर इमारत का भी दौरा किया। PND बोर्ड का इजलास। अब्दुल्ला खान सुम्बुल ने सदारत की। पंजाब सिटीजन एबल हाई प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। इमरान तौकीर, गफरान शफी और दीगर अफसरान की मंसूबों पर ब्रीफिंग। ग्रैंड होटल में सैलाब जदगान के लिए तकरीब। TNC इंटरनेशनल के रीजनल हेड स्टीवन की जानिब से 2 अरब रुपये अतिया। तकरीब में चौधरी जावेद इलाही, जैन भट्टी, मियाँ सलमान मुबारक समेत दीगर डोनर्स की शिरकत। कायद अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में असातिज़ा की प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग का आगाज। ग्रेड 18 के 40 असातिज़ा की शिरकत। 6 हफ्तों की तरबियत के बाद असातिज़ा को ग्रेड 19 में तरक्की मिलेगी। उधर वन टाइम अकेडमी के 150 से ज्यादा तलबा का शहर लाहौर का सियाहती दौरा। डबल डेकर साइट बस की सैर की। होटल मैनेजमेंट के मारूफ शख्सियत इरशाद बी अंजुम का एक और एजाज। इरशाद बी अंजुम को टैलेंटेड पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया। अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब ने इरशाद बी अंजुम को अवार्ड दिया। लाहौर के नौजवान ने इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार कर ली। 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। एक चार्जिंग पर 50 किलोमीटर तक सफर की सलाहियत। मॉडल टाउन के असदुल्ला ने कारनामा अंजाम दिया। कहते हैं 45,000 रुपये लागत आई। और PFF एजुकेशन प्रोग्राम बहाल करने का फैसला। कोचिंग कोर्सेज रवा माह दोबारा शुरू होंगे। 21 से 35 साल के मर्द और खावतीन कोच 15 सितंबर तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं।